इस दुनिया में जितने देश हैं उतने ही उनके नियम और कानून भी हैं। वहीं बात अगर मुस्लिमों की धरती सऊदी अरब की करें तो यहाँ के कानून बाकी देशों के मुकाबले काफी अधिक प्रचलित हैं। दरअसल सऊदी अरब को हम लोग रेत, तेल और शेखों के लिए जानते हैं, लेकिन असल में सऊदी अरब मक्का मदीना के लिए भी मशहूर है। यहाँ मुस्लिमों के पैगंबर हजरत मोहम्मद ने 570 ईसा पूर्व में जन्म लिया था और मुस्लिम धर्म की नींव रखे थे। आज भी इस स्थल पे पीर मोहम्मद के पैरों के निशान पाए जाते हैं। वहीं बहुत से मुस्लिम हर साल ईद उल जुहा पर यहाँ लाखों की संख्या में पहुँचते हैं। हजरत मोहम्मद को मक्का में ही दफन किया गया था। यहाँ मौजूद काबा के 7 चक्कर लगाकर इसे चूमा जाता है। मान्यता है कि जो भी मुस्लिम अपनी जिंदगी में मक्का मदीना पहुंच जाता है उसका जन्म सफल हो जाता है। आपको बता दें कि सऊदी अरब को सबसे अधिक देश के सख्त कानूनों के लिए जाना जाता है। यहाँ हर जुर्म की सजा दर्दनाक रखी गई है। और दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको सऊदी अरब के कुछ ऐसे ही अजब गजब कानूनों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें जानकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आखिर ऐसे कौन से कानून हैं सऊदी अरब के, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, आगे वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको भी इंडियन होने पे गर्व है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि सऊदी अरब जैसे अति विकसित और सुविधा संपन्न देश के पास अपना कोई लिखित संविधान नहीं है, क्योंकि सऊदी अरब कुरान शरीफ को ही अपना संविधान मानता है और उसने इस्लामिक शरिया कानून को ही अपने शासन संचालन का आधार बनाया है। यही कारण है कि यहाँ का कानून तोड़ने वालों को सख्त से सख्त सजा दी जाती है। दोस्तों, आज लगभग सभी देशों में पॉर्न वीडियोस देखना एक आम बात है, लेकिन सऊदी अरब में पॉर्न देखना पूरी तरह गैर कानूनी है और अगर आप ऐसा करते यहाँ पकड़े गए तो आपको जेल जाना पड़ सकता है। दोस्तों, सऊदी अरब में आयकर और GST जैसे टैक्स नहीं लिए जाते, बल्कि लोगों से उनकी कमाई का लगभग 2.5% हिस्सा जकात के तौर पे लिया जाता है और यही कारण है कि सऊदी अरब के लोग दुनिया में सबसे कम टैक्स देने वाले लोगों में से एक हैं। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के गैर मुस्लिम सऊदी अरब घूमने या फिर नौकरी करने तो आ सकते हैं, लेकिन यहाँ की नागरिकता पाने के लिए उनका मुसलमान होना जरूरी है, क्योंकि सऊदी अरब के नागरिकता कानून के अनुसार किसी भी गैर मुस्लिम को सऊदी अरब की नागरिकता नहीं दी जा सकती। दोस्तों, सऊदी अरब में हर तरीके के अपराधों से निपटने के साथ साथ धार्मिक विवादों से निपटने वाली धार्मिक पुलिस भी है जो इस्लामिक शरिया कानून की रक्षा के लिए काम करती है। जादू टोना, वशीकरण, धार्मिक इमारतों को नुकसान पहुंचाना तथा कुरान शरीफ के नियमों को न मानना, इस तरह के काम करने वालों के साथ धार्मिक पुलिस बेहद सख्ती से पेश आती है। यही कारण है कि यहाँ के ज्यादातर लोग अपने धार्मिक नियमों का पालन करते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि सऊदी अरब जैसे रईस देश में लंबे समय तक कोई भी सिनेमा हॉल नहीं था, क्योंकि सऊदी अरब में इस्लामी कानून के हिसाब से फिल्म और संगीत को हराम माना जाता है और यही कारण है कि आज भी सऊदी अरब के गिने चुने शहरों में ही सिनेमा हॉल है। दोस्तों, सऊदी अरब में जाने वाले पर्यटकों के लिए खास तरीके का प्रतिबंध है कि वो हर जगह की फोटो और वीडियोस नहीं बना सकते, जिसके पीछे सऊदी अरब की सोच है कि बिना उनकी अनुमति के कोई भी जानकारी उनके देश से बाहर न जाए। दोस्तों, जहां भारत और चीन जैसे देश अपनी बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, वहीं सऊदी अरब में जनसंख्या नियंत्रण का कोई कानून नहीं है, क्योंकि सऊदी अरब के शरिया कानून के मुताबिक परिवार नियोजन करना गैर कानूनी है। यानी अगर आपकी पूरी क्रिकेट टीम भी तैयार हो जाए, आप फिर भी परिवार नियोजन नहीं अपना सकते। दोस्तों, जहां आज दुनिया भर की महिलाएं जमीन से लेकर आसमान तक सभी क्षेत्रों में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, वहीं सऊदी अरब में आज भी महिलाओं को अपनी मर्जी से जीवन जीने का अधिकार नहीं है। दोस्तों, शरिया कानून की आड़ में सऊदी अरब की महिलाओं का सैकड़ों सालों से शोषण किया जा रहा है। आपको जानकर दुख होगा कि यहाँ आज भी महिलाओं को अकेले कार चलाने की इजाजत नहीं है, नहीं वो अकेले अपना बैंक अकाउंट खुलवा सकती हैं और नहीं अकेले किसी विदेश यात्रा पे जा सकते हैं। यहाँ की महिलाएं गैर पुरुषों से मिलना तो दूर बात तक नहीं कर सकते। सऊदी अरब के कानून के अनुसार यहाँ पर घर से बाहर निकलते समय महिलाओं की आंखों और हाथों की उंगलियों के अलावा पूरा शरीर काले बुरके से ढका होना चाहिए। दोस्तों, लगभग 1.5 करोड़ की महिला आबादी होने के बावजूद सऊदी अरब ने पूरी दुनिया के बाद अपने यहाँ 2011 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया और इसके साथ ही यहाँ औरतें बच्चा पैदा करते ही मर भी जाएं, फिर भी उन्हें गर्भपात कराने का अधिकार नहीं होता है। सच तो ये है कि सऊदी अरब के पुरुष महिलाओं को केवल बच्चा पैदा करने की मशीन और अपनी हवस को शांत करने का साधन मानते हैं, जो महिलाओं के प्रति उनके शोषणपूर्ण रवैये को दिखाता है। दोस्तों, सख्त लौंडा बनके रहने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इतनी भी सख्ती किस काम की कि लड़के और लड़की को उसकी शादी के दिन भी न मिलने दिया जाए। लेकिन दोस्तों, सऊदी अरब में विवाह समारोह में लड़की और लड़के का पंडाल बिल्कुल अलग अलग होता है, क्योंकि महिलाओं को वहाँ पर्दे में रखा जाता है, इसलिए वहाँ के विवाह समारोह में एक पंडाल में महिलाएं और दूसरे पंडाल में पुरुष होते हैं और इसके साथ ही केवल निकाह कबूल करने के लिए ही लड़का लड़की को मिलवाया जाता है, वरना वो पूरी शादी में एक दूसरे से अलग अलग ही रहते हैं।
दोस्तों सऊदी अरब हमेशा से ही देश में हो रहे गैर कानूनी और अमानवीय कार्यों को पूरी दुनिया से छुपाता आ रहा है। यही कारण है कि आपको इंटरनेट और सोशल मीडिया पे सऊदी अरब की वीडियोस या फोटोज बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलती, क्योंकि सऊदी अरब चाहता है कि वो अपने देश के बारे में जितना लोगों को दिखाना और बताना चाहे उतना ही लोग उसे देखे और जाने। और दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी कुछ सालों पहले ही एक ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्री मेकर ने सऊदी अरब के अंदर हो रहे ढेरों अमानवीय कार्यों पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, लेकिन जैसे उन्होंने डॉक्यूमेंट्री को पूरी दुनिया में रिलीज करने की कोशिश की, सऊदी अरब की सरकार ने उन पर दबाव बनाकर उस डॉक्यूमेंट्री को $5 मिलियन में खरीद लिया और उसके बाद वो डॉक्यूमेंट्री कभी भी दुनिया के सामने नहीं आ सके। तो दोस्तों आपको सऊदी अरब और भारत के कानूनों में से कौन सा कानून ज्यादा अच्छा लगता है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारी वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको और भी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहें सबसे पहले। धन्यवाद।